अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। फ्रेंड्स एवरीवन, जैसे कि यहां पे देखिए, जो यहां पे शटरिंग लगाया गया है, यहां पे ये है स्लैब का शटरिंग लगाया गया, किस तरह से बॉटम लगाया गया, किस तरह से यहां पे जैक लगाया गया है। यहाँ पे देखिए जैक जो लगाया गया है, पूरा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये ऊपर जो देखिए, यहाँ पे इसे कहते हैं एक्रो स्पैन बोलते हैं, एक्रो जहाँ जहाँ पे भी जॉइंट्स होता है ना, जॉइंट्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट की जॉइंट्स, वहाँ पे एक्रो स्पैन दिया जाता है। देखिए टोटल होल यहाँ पे स्पैन पे एक्रो स्पैन, पूरे स्पैन पे यहाँ पे एक्रो स्पैन दिया गया है। और यहाँ पे देखिए एक्रो स्पैन बहुत बेहतर सपोर्ट देता है, जैसा कि यहाँ पे देखिए 3-3 फुट की दूरी पे यहाँ पे जो प्लेट का जो साइज़ होता है 2x3, जैसा कि 3-3 फुट की दूरी पे एमएस शीट का यहाँ पे एक्रो स्पैन दिया गया है। देखिए यहाँ पे पूरी वीडियो देखना है आपको। और क्रॉस यहाँ पे देखिए क्रॉस सपोर्टिंग भी दिया गया है, ताकि बल्ज ना हो, लूज ना हो शटरिंग बीम का, इसलिए क्रॉस में भी यहाँ पे क्या गया है, सपोर्टिंग दिया गया अच्छे से। यहाँ पे देखिए क्रॉस में सपोर्टिंग दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जो जो जैक दिया गया है वहाँ पे क्या रनर दिया गया, रनर का सपोर्ट दिया गया है वहाँ पे साइड में रनर का, और यहाँ पे सेंटर में एक्रो स्पैन दिया गया है। तो पूरी वीडियोस लाया हूँ गाइस, फ्रेंड्स एंड एवरीवन, प्लीज़ ये वीडियो को देख कंप्लीट देखिए। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, मैं प्रोजेक्ट की वीडियो लाया हूँ, अच्छा सा प्रोजेक्ट था ये भी। तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स, यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे एक्रो स्पैन लगाया गया है। और एक्रो स्पैन बहुत बेटर रहता है, जैसे कि वो जो उसकी कैपेसिटी जो रहती है लोड संभालने की, बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू जब हम प्लाई लगाते हैं या फिर दूसरी चीज़ लेते हैं, तो एक्रो स्पैन बेटर रहेगा, दूसरों सबसे बेटर रहेगा, ज़्यादा लोड को कैरी करेगा और ज़्यादा लोड बैलेंस कैरी करेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरी वीडियो सबको देखना है शुरू से लेके आखिरी तक। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये जो जैक होता है देखिए, इसका हाइट ज़्यादा होता है बहुत, जैसा कि इनर आउटर जैक होता है, आउटर के अंदर इनर बैठता है। अगर आप उसको खोलेंगे तो 10 फीट तक भी रहेगा, 12 फीट तक भी रहेगा, 15 फीट तक भी जैक ओपनिंग हो सकता है, बिकॉज ऑफ आउटर के अंदर इनर होता है। ये जो यहाँ पे होल दिख रहा है वो इनर है, नीचे जो दिख रहा है होल नहीं है, वो आउटर है। तो बीच में देखेंगे यहाँ पे चाबी जैसा है, ये है लॉक, लॉक कहते हैं इसे, तो इसका लॉक होता है वहाँ पे। जब होल होगा ना, होल में कुछ बार होल में वहाँ पे सरिया रॉड डाल के उसको लॉक कर देंगे, जैसा कि वहाँ चाबी के टाइप में है, देखिए उसको लॉक कर देंगे। और क्रॉस सपोर्टिंग भी यहाँ पे दिया गया है। तो आज की वीडियो कैसी थी बताइए ज़रूर। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। आने वाले समय में इस तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, 10K सब्सक्राइबर तक सपोर्ट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, एवरीवन टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।